क्या बच्चों में माउथ ब्रीदिंग का इलाज है? हाँ दोस्तों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बात करेंगे आज इस समस्या की। माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन एंड डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जैसे अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माउथ ब्रीदिंग दोस्तों बहुत बार आपको फैमिली में, कलीग्स में, कहीं ना कहीं ये और बच्चों में बहुत कॉमन समस्या है। ये सवाल हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं होता है कि माउथ ब्रीदिंग का इलाज है। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कारण एंड देन उसका इलाज, क्या कारण है माउथ ब्रीदिंग का। दोस्तों रूटीन जो है यूजुअली जो है हमारा नोज गोर्ड ने बनाया है ब्रीदिंग के लिए। नोज से हमें ब्रीदिंग आनी चाहिए और नोज से हमें जब ब्रीदिंग आती है तो यहाँ पे क्या है, जो साइनस होते हैं उनकी वजह से हमारे एयर का फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे जो हानिकारक जो चीजें होती हैं वो यहाँ नोज से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों जब हमारे नोज से ब्रीदिंग नहीं होती, यानी बेसिकली हमारे गले के अंदर जो है वो टॉन्सिल जो हमारे होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है, और जो हमारे एडिनोइड्स होते हैं वो टॉन्सिल और एडिनोइड यूजुअली बच्चों में उम्र के साथ श्रिंक हो जाते हैं। कई बार जब वो टॉन्सिल और एडिनोइड एट्रोफिक नहीं होते, खत्म नहीं होते, जो बच्चा दिन को रहता है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट जैसे ही बच्चा रात को सोएगा ऐसे ग्रेविटी के कारण वो हमारे सांस के रास्ते को क्या है, ढक्कन की जैसे बंद कर लेते हैं। तो उससे क्या है कि नाक से ब्रीदिंग नहीं होता और नोज से ब्रीदिंग नहीं होता, माउथ ब्रीदिंग होता है। अब माउथ ब्रीदिंग हो रहा है, बहुत बार पेरेंट्स ध्यान देते नहीं उस पर क्योंकि वो उसको नॉर्मली मानते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि माउथ ब्रीदिंग होना और उससे क्या दुष्परिणाम हो सकता है। नंबर वन, माउथ ब्रीदिंग होने से एक तो क्या है कि वो जो हमारा एयर जो नाक से जो जा रही थी जिसमें फिल्टर और प्यूरिफिकेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा, सो बच्चे को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार गले में दिक्कत होती है, एंड देन बच्चे का सेकेंडरी डेवलपमेंट नहीं होता, वो दुबला पतला रहता है। बहुत सारे कंप्लेंट होते हैं, डॉक्टर साहब इसको बहुत खिलाते हैं तो इसका तो बॉडी बनता ही नहीं है। एंड कंटिन्यू माउथ ब्रीदिंग से उसकी जो डेंटल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है, दांत बाहर आ जाते हैं, हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, उसकी बाइंडिंग कराते हैं, वायरिंग कराते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंटिन्यू जो है वो माउथ ब्रीदिंग से जो है वो हमारे कान के जो पर्दे हैं उसके पीछे फ्लूइड इकट्ठा होने से बच्चे को बार बार जो है वो कान में दर्द होना, कम सुनाई देना, एंड आपने बहुत बार सुना होगा कान बहने भी लग जाता है और कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है। सो ये सारे दुष्परिणाम होते हैं माउथ ब्रीदिंग से। बहुत बार बच्चा क्या है कि बेड वेटिंग भी करता है, लैकोपरटेंशन भी होता है। सो दोस्तों ये सारी जो समस्याएं हैं उसके कारण होती है। अब इसका इलाज क्या है? दोस्तों इसका जो इलाज है वो एंडोस्कोपिक एडिनोटॉन्सिलेक्टोमी, एक माइक्रोडेब्राइडर अमेरिकन मशीन होती है दोस्तों, उसकी सहायता से अंदर की अंदर ये पूरे एडिनोइड्स को और कॉबलेटर से क्या है कि वो टॉन्सिल को दोनों को रिमूव कर दिया जाता है। ध्यान रहे दोस्तों इसमें कहीं बाहर से चीर फाड़ टांका पट्टी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा उसके अंदर नहीं होता है। हम इस चीज से बहुत डरते हैं, भयभीत होते हैं कि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी कैसे होगी। एंड ये एंडोस्कोपिक होता है, अंदर के अंदर होता है, इसमें जो है इसका जो रिकवरी टाइम है 5 या 6 दिन बाद बच्चा नॉर्मली स्कूल जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल खाना खा सकता है, बाहर से इसमें कुछ नहीं होता। एंड रिस्क की अगर इसमें बात करते हैं तो दोस्तों ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, दिन रात जो है ये सर्जरी की जाती है, बच्चे की PEC फिटनेस टेस्ट किया जाता है, फिटनेस टेस्ट के बाद इस सर्जरी करता है। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण है माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। सो ये इन्फॉर्मेशन यू कैन शेयर टू योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द माउथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन। एंड आपका इसके रिगार्डिंग कोई सवाल हो डेफिनेटली यू कैन पुट माई कॉमेंट बॉक्स, हम उसका आपको जरूर जवाब देंगे। थैंक यू।